भगवान शंकर का अति प्रिय माह सावन चल रहा है। सावन में प्राचीन शिव मंदिरों में काफ़ी विशेषताएं, आस्थाएं और लोगों के विश्वास का केंद्र भगवान शंकर का दरबार होता है। ऐसे में ही एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसका इतिहास औरंगजेब और अंग्रेजी हुकूमत से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं अमेठी जिले के जामो विकास खंड के दखिनवारा गाँव के मंदिर बिल्लेश्वर महादेव की। यह मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। बिल्लेश्वर महादेव के दर्शन के लिए सैकड़ों से अधिक संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर दर्शन पूजन करते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मंदिर का काफी प्राचीन इतिहास है। कई साल पहले औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था और बिल्लेश्वर महादेव मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया था और उन्हें नष्ट कर दिया था। इसके बाद क्षत्रिय वंशजों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अमेठी के बिल्लेश्वर महादेव की काफी प्राचीन मान्यता है। आपको बता दें कि इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह शिव मंदिर अत्यंत प्राचीन है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि इस मंदिर का निर्माण 1669 ईस्वी में कराया गया। इस मंदिर में लोग जो भी मुरादें लेकर आते हैं वह पूरी होती है। इस मंदिर में जलाभिषेक के साथ साथ महाशिवरात्रि पर बड़े मेले का आयोजन भी किया जाता है। दखिनवारा गांव के लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना है कि इस मंदिर का निर्माण काफी पुराना है, लेकिन सही जानकारी किसी के पास नहीं है क्योंकि इसकी मूर्तियां ही इसके पौंडरिक्त की गवाही देती हैं। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि औरंगजेब ने जब कभी आक्रमण किया था तो उसका इतिहास भी इस मंदिर में दर्ज है। और देखा जाए तो सावन का महीना चल रहा है, सावन का हो या भादों का हो, यहाँ तो डेली का कम से कम सुबह शाम 150-150 तक आदमी तो जल चढ़ाते ही हैं। शाम को भी आरती होगी यहाँ पे और सब इसको देख रहे। गवर्नमेंट को चाहिए जो यहाँ की कमी हो। अब ये रोड है जो हमारा, आने का कोई श्रद्धालु कैसे आएगा। ये हमारी मंदिर की आस्था क्या रही है, मंदिर की स्थापना कब हुई थी या इसको नहीं बता सकता हूँ मैं। हमारी जब 100 साल की बता रहा हूँ, अभी बंदा 100 साल का है वो नहीं बता सका है, उनके बाप भी 100 साल के होकर मरे हैं तो मैं क्या बताऊँ। ये बहुत पुराना मंदिर है। हाँ ये कह सकता हूँ जो मूर्तियां यहाँ निकल रही हैं इस जंगल में हमारे मंदिर के पीछे, उनको आप फोटो खींच लीजिए और उनको आप देखो कितनी उसमें एक पत्थर में कितनी मूर्तियां हैं, किन की किन किन देवताओं के हैं, किन किन की हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर औरंगजेब ने इस पे आक्रमण किया था और आक्रमण के बाद से इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया था। किया कर गया। अब जितनी मूर्तियां हमारी हैं उनका सिर देखो, सिर सही नहीं है, सिर काट ले गए, सिर काट दिए। और अभी अगर आप अभी चलिए हमारे साथ जंगल में तो दीवाले आपको दिखाऊं, इतनी मोटी मोटी दीवाले हैं इस जंगल के अंदर। तो कोई बिल्डिंग जरूर थी पहले, इसको हम नहीं कह सकते हैं। तो शिव मंदिर बहुत फेमस जी, शिव मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ पर श्रावण मास में और मलमास मास महीने में लगभग 400-500 लोग रोज जल चढ़ाने के लिए आते हैं और यहाँ पर यह आस्था है कि मतलब जो कुछ भगवान शिव से जो लोग मांगते हैं वो भगवान शिव मतलब मांगने वाले को प्रदान भी करते हैं, यहाँ की ऐसी मान्यता है। कहा जाता है कि इस मंदिर पर विदेशी आक्रमणकारी औरंगजेब ने आक्रमण करके इसको नष्ट कर दिया जी। यहाँ पर एक बार औरंगजेब बताते हैं पूर्वज लोग कि शिवलिंग जो बगल में बीच वाले मंदिर में है इस पर तलवार मारे थे तो ये शिवलिंग कट भी गई थी आधी, ऐसा बताते हैं लोग। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ खंडित मूर्तियां भी रखी हुई है जी, इनकी क्या कुछ कहानी है। ये खंडित मूर्तियां खुदाई से मिली है, बगल में जो मंदिर में खुदाई उदाई हो रही थी उसमें से खंडित मूर्तियां मिली है। वो मूर्तियां सब लोग हम सब लोग बगल में यहाँ पर रख दिए हैं, उसकी पूजा वूजा होती है। इस मंदिर की और क्या क्या विशेषताएं हैं जो लोगों तक पहुंच रही हैं जिसकी वजह से आस्था लोगों की जुड़ी हुई है जी। इस मंदिर में बिल्लेश्वर महादेव शिव मंदिर सेवा ट्रस्ट के नाम से बना हुआ है, दखिनवारा मौजा में आता है और यहाँ पे काफी दिन से मतलब लोग जल चढ़ाते हैं।